स्वागत है आप सभी के हमारे सजीर बाइक गुरु चैनल में आने के लिए। धन्यवाद दोस्तों, मेरा नाम है सजीरुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सजीर बाइक गुरु। तो चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो मेरे मैकेनिक दोस्तों, ये जो प्लैटिना बाइक होती है, अगर बाइक में स्टार्ट ना हो, करंट अगर मिसिंग करे, तो हम आपको बताएंगे किस तरह से आप लोग चेकअप करो, क्योंकि काफ़ी सारे मैकेनिक गलती कर देते हैं। CDI कॉयल लगा के देखते हैं, करंट नहीं आता है। बोतल कॉयल लगा के देखते हैं, करंट नहीं आता है। पिकअप कॉयल लगा के देखता है, स्टार्टिंग कॉयल लगा के देखता है, होता नहीं। अब हम इस वीडियो में आपको बताएंगे, 100% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। मेरा वीडियो अगर आप लोग देखते हो तो आपको पता चलेगा जो इग्निशन लाइन क्या होता है, बाइक में करंट नहीं आता है तो हम लोग क्या करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। हमारा चैनल पर पहली बार आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मेरे मैकेनिक भाइयों, चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम लोग चेकअप करेंगे स्पार्क प्लग में करंट आ रही है कि नहीं। तो जैसे कि मेरे बाइक में अभी हम आपको समझाएंगे सिंपल के तौर पे जो कहाँ में कितना वोल्ट होना चाहिए। तो आप लोग स्पार्क प्लग खोल के, कैप को खोल के, यहाँ लगा के किक मार के देखिए चट चट करके फायर आ रहा है कि नहीं। अगर नहीं आ रहा है तो फर्स्ट टाइम आप क्या करेंगे, ये जो CDI यूनिट होता है इसे आप लोग देखेंगे। ये जो CDI यूनिट होता है, हम लोगों का इनपुट लाइन अगर ठीक रहा है तो बाइक ऑटोमेटिक स्टार्ट होगा। अब वो किस तरह से हम लोग चेकअप करें, तो मेरे मैकेनिक भाइयों, ये जो आपको दिखाई दे रहा है रेड वाला वायर, ये स्टार्टिंग के लिए है प्लैटिना बाइक में, ठीक। तो मेरे मैकेनिक भाइयों, ये जो कपलर दिखाई दे रहा है आर्मेचर कॉइल से, मैंने फर्स्ट टाइम इसी को चेकअप किया। जो नील में वाइट है ये वाला वायर, ये बैटरी चार्ज के लिए है, बाइक को बैटरी चार्ज देता है। और जैसे कि एक पीला कलर का वायर है, तो ये हेडलाइट जलाने के लिए है। तो इसमें दो में वोल्ट आएगा, एक हेडलाइट जलाने के लिए, एक बैटरी चार्ज देने के लिए, और स्टार्टिंग के लिए अलग वायर आएगा। ये रेड वाला वायर जो है, ये रेड वाला जो वायर है, ये स्टार्टिंग कॉइल के लिए है, वो जल्दी चल जाएगा। जैसे कि इस वायर पर CDI पर, CDI में ढुकता है, ढुकने के बाद ही स्टार्ट होता है, ठीक है। और ये जो व्हाइट में रेड कलर का वायर है, ये पिकअप कॉइल आएगा। ये सब कुछ चीज़ आपको माप के दिखाएंगे मल्टीमीटर के साथ। और जैसे कि ब्लैक में व्हाइट कलर है, ये चल जाएगा इग्निशन स्विच पर। यहाँ इग्निशन स्विच पर आपको दिखा देता है, इसके लिए है दो कपलर, दो वायर जो पीला में ब्लैक है और ब्लैक में व्हाइट है, ये स्टार्टिंग को बंद करने के लिए है, ये बंद करने के लिए है। और जो व्हाइट में व्हाइट कलर है और मिट्टी कलर, ये बैटरी को ओपन करने के लिए है, तो इसलिए दो कपलर है। तो ये जो ब्लैक में रेड है, ये ब्लैक में व्हाइट है, ये आएगा जैसे कि ये CDI में आएगा, ठीक है। अगर ये बीच से कहीं कटा हुआ रहेगा तो बाइक बंद नहीं होगा, ठीक है, बंद नहीं होगा। तो अब मुझे जैसे कि ये बंद करने के लिए वायर है, रेड वाला जो है वायर है, मैग्नेट से आएगा स्टार्टिंग करने के लिए वोल्ट, और इसमें पिकअप कॉइल आएगा। तो हम लोगों का तीन वायर हुआ। अब जैसे कि यहाँ एक ब्लैक में पीला है, ये बॉडी अर्थिंग है, और एक ब्लैक है, ये चल जाएगा बोतल कॉइल इग्निशन कॉइल पर, ठीक है, आउटपुट ये निकलेगा। अब हम आपको दिखाते हैं किस तरह से आप लोग चेकअप करें। तो मल्टीमीटर को आप लोग जैसे कि कंटिन्यू पे करेंगे, सबसे पहले हम इसका चेकअप करेंगे वोल्ट वगैरह आ रहे हैं कि नहीं। रेड कलर पर हम चेकअप करेंगे वोल्ट आ रही है कि नहीं। तो यहाँ देखिए कुछ 320 की तरह आएगा पॉइंट इस तरह के, ठीक है। तो हमारा मैग्नेट कॉइल ठीक है। अब हम चेकअप करेंगे पिकअप कॉइल, जो व्हाइट में रेड है, इसे हम चेकअप करेंगे। यहाँ दिखाइए 221 आ रहा है पिकअप कॉइल, तो पिकअप कॉइल भी ठीक है। अब हम चेकअप करेंगे बॉडी अर्थिंग, बॉडी अर्थिंग जो होता है पीला में ब्लैक। तो चलो बॉडी अर्थिंग भी हम लोग चेकअप कर लेते हैं, बॉडी अर्थिंग मिल रहा है कि नहीं। देखो मल्टीमीटर में शो कर रहा है, बॉडी अर्थिंग भी मिल रहा है। तो मेरे मैकेनिक भाइयों, अगर रेड वाले में वोल्ट आ रही है, व्हाइट में रेड जो है उसमें पिकअप कॉइल आ रही है, ब्लैक में पीला है जो अर्थिंग आ रही है, तो हम लोगों का इनपुट लाइन ठीक है। अब आउटपुट लाइन जो है ये ब्लैक वाला वायर में, अगर CDI कॉइल अच्छा रहे तो ऑटोमेटिक इसमें वोल्ट आएगा, बाइक स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन ये जो व्हाइट में ब्लैक है, ये स्टार्ट बंद करने के लिए, ये वायर अगर कटा भी रहे तो बाइक स्टार्ट हो जाएगा। अब सवाल है, काफ़ी सारे मैकेनिक सोचते हैं इस कपलर का काम क्या है। तो मेरे मैकेनिक भाइयों, ये कपलर जो होती है
बाइक में एक कार्बोरेटर होता है, मैं बता दूँ। आइए यहाँ देखिए, एक मैग्नेट का सेंसर लगा हुआ रहता है, जब एक्सीलेटर करते हैं तो स्लो में ये थोड़ा ताकत देता है और ये सेंसर काम करके बाइक का जो फ्यूल है, फ्यूल को ताकत मिलता है। ठीक है, तो अगर ये कपलर हम लोग अगर खुला भी रखें तो कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हम लोगों का इनपुट लाइन होना चाहिए, आना चाहिए। अब किस तरह से आया मैंने आपको बताया, जो बोल्ट किस तरह से चेकअप करें, पिकअप कॉइल किस तरह से चेकअप करें, बॉडी अर्थिंग किस तरह से चेकअप करें। अगर इनपुट लाइन ठीक रहे तो आउटपुट सीडीआई कॉइल अगर अच्छा रहे तो आउटपुट निकलेगा। मेरे मैकेनिक भाइयों, आप लोगों ने देखा बजाज प्लैटिना बाइक अगर स्टार्ट ना ले तो हमने बताया जिस तरह से बोल्ट अर्थिंग ग्राउंड इनपुट अगर ठीक रहे तो ऑटोमेटिक सीडीआई कॉइल जो अच्छा रहे तो ऑटोमेटिक बोल्ट आएगा बोतल कॉइल पर। अगर जैसे कि बोतल कॉइल पर बोल्ट नहीं जा रहा है, और स्पार्क प्लग नहीं जा रहा है, तो उस वक्त बोतल कॉइल ख़राब हो सकता है, उसका कारण ही ये बोल्ट नहीं जाएगा। तो आप लोग को सोचना चाहिए सी डी आई क्वालिटी अच्छा रहा है तो हम लोग चेकअप करें, हम लोग का इनपुट लाइन इनपुट अगर मिस रहा है कोई भी चीज़ बोल्ट पिकअप कॉइल तो उसमें करंट नहीं आएगा।